फरवरी का महीना अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल का दूसरा महीना, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार आप 11वें महीने यानी माघ के महीने में प्रवेश कर चुके हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो साल 2024 में फरवरी का महीना बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस महीने में कई बड़े व्रत त्योहार के साथ कई ग्रह अद्भुत गोचर भी कर रहे हैं। फरवरी के महीने में सरस्वती पूजा से लेकर मौनी अमावस्या, षटतिला एकादशी और मासिक शिवरात्रि भी पड़ने वाली है। साल की पहली गुप्त नवरात्रि भी फरवरी महीने में ही शुरू होने वाली है। सूर्य की उपासना का पर्व रथ सप्तमी भी फरवरी महीने में ही मनाया जाएगा। इसके साथ ही फरवरी के महीने में बुध, मंगल, शनि, शुक्र और सूर्य जैसे बड़े ग्रह दूसरी राशि में गोचर करने वाले हैं और वक्री होने वाले हैं। कुंभ राशि में सूर्य शनि की युति भी फरवरी महीने में ही बनने जा रही है। ज्योतिष शास्त्री के अनुसार फरवरी में 5 सर्वार्थ सिद्धि योग, 2 अमृत सिद्धि योग, 2 त्रिपुष्कर योग, 9 रवि योग और 1 दिन गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग बनेगा। यानी इतने शुभ योगों से भरा रहने वाला है फरवरी का महीना। इन योगों में प्रॉपर्टी और वाहन की खरीदी बिक्री के शुभ दिन भी शामिल हैं। इस महीने के शुभ योगों में खरीदारी और नए कामों की शुरुआत करने से अपार सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। खास बात यह है कि फरवरी में हिंदी कैलेंडर के मुताबिक 24 फरवरी तक माघ मास रहेगा। इस तिथि तक आने वाले तीज त्योहार माघ माह की परंपरा अनुसार होंगे, जबकि 25 तारीख से फाल्गुन महीना शुरू हो जाएगा। इसके बाद के त्योहारों में तिल के बजाय मेवा और मिठाइयों का भोग लगेगा और मंदिरों में भगवान का श्रृंगार भी बदला जाएगा। इस महीने तीर्थ स्थान और अन्य परंपराओं में भी बदलाव होने लगेगा। तो आइए जानते हैं फरवरी महीने में पड़ने वाले प्रमुख व्रत त्योहार और साथ ही फरवरी महीने में होने वाले ग्रह गोचर के बारे में। फरवरी की शुरुआत ही षटतिला एकादशी के साथ हो रही है। 6 फरवरी को षटतिला एकादशी है। इस दिन तिल का बहुत महत्व होता है। षटतिला एकादशी पर तिल का 6 तरीके से इस्तेमाल करने से सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। ये पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके अगले दिन 7 फरवरी को कृष्ण प्रदोष व्रत है। 8 फरवरी को मासिक शिवरात्रि है। तो 9 फरवरी को माघ अमावस्या है, जिसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं। इस अमावस्या के दिन मौन रहकर व्रत रखने के पीछे मान्यता ये है कि इससे व्यक्ति अपनी कमियों को समझकर उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। 13 फरवरी को कुंभ संक्रांति है। 14 फरवरी को विद्या की देवी माँ सरस्वती की आराधना का दिन यानी वसंत पंचमी है। वसंत पंचमी से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। इसके 6 दिन बाद यानी 20 फरवरी को जया एकादशी है, जबकि इसके अगले दिन शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है। 24 फरवरी को माघ पूर्णिमा का व्रत है, जिसके साथ ही माघ महीना समाप्त हो जाएगा। 28 फरवरी को संकष्टी चतुर्थी पर्व के साथ फरवरी का महीना समाप्त हो जाएगा। फरवरी महीने के ग्रह गोचर की बात करें तो महीने के पहले दिन ही 1 फरवरी को बुध मकर राशि में गोचर कर रहा है। 5 फरवरी को मंगल का मकर राशि में गोचर है, जबकि 8 फरवरी को बुध मकर राशि में अस्त हो रहा है। 11 फरवरी को शनि कुंभ राशि में अस्त हो रहा है, तो 12 फरवरी को शुक्र का मकर राशि में गोचर हो रहा है। 13 फरवरी को सूर्य का कुंभ राशि में गोचर हो रहा है, जहां पहले से ही शनि विराजमान होंगे, तो 20 फरवरी को बुध का कुंभ राशि में गोचर हो रहा है। जैसे पर्व त्योहारों का लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है, वैसे ही ग्रहों के गोचर का प्रभाव भी हर राशि के जातकों पर पड़ता है। कह सकते हैं कि कई पर्व त्योहारों और ग्रह गोचर से युक्त फरवरी का ये महीना आम लोगों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।